तुझे ही सुमिरत सिद्धि हो, अगन नायक करीवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, अमु कहो ही बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सदयाल, द्रवउ सकल कली मल दहन। अशांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाण शांति प्रदं, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं, वेदांत वेद्यं विभुम्, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु, माया मनुष्यम हरि, वंदे हम करुणा करम रघुबरम, भूपाल चूड़ामणि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप लोग अनुभव किए कि बिना आज्ञा के कुछ भी नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर भरत जी अत्रि मुनि से आज्ञा लेते हैं, फिर जो है सब कार्य संपन्न करते हैं पूरा, और मतलब विचरण करते हैं, तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, और पांच दिन बीत जाता है, फिर सुबह जब दर्शन करके आते हैं, मतलब स्नान करके आते हैं, तो प्रभु देखकर सकुच जाते हैं और भरत जी समझ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सब प्रकार से बहुत बड़ा भरोसा है। यही ना, जब तक भरोसा पक्का नहीं होगा तब तक कोई भी आज्ञा अनुसार कर्म नहीं करेगा। जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक, जब वो दुविधा में रहे अगर बुद्धि, तो कैसे वह काम करेगा, नहीं करेगा जी। तो विचार का तिनके के बराबर भी जगह नहीं होना चाहिए। छोटा भाई है, बड़ा भाई को मान के चल रहा है, पुत्र है, पिता को मान के चल रहा है, अगर बुद्धि वहां पे नहीं काम कर रही है
तो फिर वही शिव जी को मान के चलिए, क्योंकि वो पक्का है, वे जो है सत्य और विश्वास के परम प्रमाण, वे कभी भी गलत रास्ता नहीं देंगे। और यदि सांसारिक जीवन में भी अगर किसी को मानकर उनके आज्ञा के अनुसार अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, तो भूल के भी उन्हें किसी संबंध का नाम मत दीजिए, बल्कि हाथ जोड़ के इतना कह लीजिए कि किन्हीं कारणों से मैं आपको मान पाया नहीं, यह आधार है कि शरीर का आपके साथ कोई संबंध नहीं है। पिता हो, माता हो, पति हो, पिता हो, कोई भी हो, यदि उनके आज्ञा को अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे संबंध रखने का नियम पक्की पक्की बात ये बा। ठीक ना? देखिए भरत जी तो कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, सब प्रकार से ही, ठीक ने, हाँ, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता, ठीक ना? बात समझ में आई? और कह रहे हैं कि मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया, ठीक ना? यही वह जो अलौकिक प्रेम आप लोग अनुभव करता है, तो 3 साल अनुराग, अनुष्का और भुवनेश्वरी सब साथ में रहे, तो वही अलौकिक प्रेम और उनकर दीनता दोनों मिलाकर को उन्हें हठी बना दे, वो अपना चलती है और सम्मान के साथ ही यही सत्य है। अब वो हठ छोड़ दे, हठ, और सब प्रकार से भरोसा करके कि यह जो चरित्र कर रहे हैं इसमें सबका परम कल्याण है, और जो आदेश मिला है संसार से वज्र हो जाना है तो वज्र हो जाना, ये ने तब न परिणाम सामने आएगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर सोच में मिलावट रहेगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी और सब कहेंगे कि ढो। जैसे कि आज वो कोई आया था ना, कोई आदमी आया था जो है, तो रविशंकर के भाई मिले उसे बारात में और बोले कि अरे अमेरिका में इतना बड़ा साइंटिस्ट है, हमने बहुत आगे गाओ लेकिन उन कुल बिगाड़ दे, ढोंगी है ने? तो जो लालच से जुड़ा रहेगा वह कभी इन्हें अच्छा तो नहीं कहेगा। तो कोई बात नहीं। हाँ महाराज, ये कहत रहा वो आपके भाई से भी बड़ा बड़ा ढोंगा, या तो वो न कहे हो तो अपने से भी बना के, ठीक ठीक, हाँ ये अपने से ही कहा होगा, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। नहीं महाराज, मेरा आत्मा कह रहा है कि जब हम से आपसे शरीर से कोई संबंध नहीं है,
जब मेरी आत्मा एक गवाही कर रहा है सबसे बड़ा पूरे काम है, तो ऐसा कौन शोक है कि भाई जन्मा है और कहेगा कि होंगी है। ठीक, अब कोई बात नहीं, थोड़ा भाई हाँ ठीक बा, कल्याण हो, बस बैठो। तो जहाँ थोड़ा सा भी सोच का जगह न हो, ठीक ने, इन्हें पता हो कैसन बाड़ी हो जाए, लेकिन यहाँ कुल जरूरत आन अंदर से ने, इसीलिए किससे मिलना चाहिए किससे नहीं मिलना चाहिए सब बड़ा नियम बा, ठीक ने। तो परम पवित्र प्रेम और दीनता, क्योंकि सहारा नहीं रहा, सहारा नहीं रहा, कोई एक आधार होना चाहिए ने। इसलिए देखिए अभी आधार तो मांगेंगे ही, भरत जी भी मांगेंगे, वैसे ही उनको भी आधार चाहिए था, तो वही विश्वास ही आधार है, और वह विश्वास चला गया विश्व स्तर पे, तो अब वो पीछे नहीं हो सकता। तो मर्यादा का सम्मान करना हर किसी को चाहिए, ठीक ना, और सहयोग तभी होगा जब समयानुसार उस स्थिति में अपने आप को ढाल, ये ने। तो भरत जी कहते हैं कि हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए, दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर सभा के सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, ठीक ना। तो आगे बढ़ने के पहले एक बात समझ लें, अब आप लोगों की बुद्धि इतना काम करने लगी कि संसार में जितना परमात्मा के नाम पर लोग पंथ चलाए हैं वो सब मात्र पाखंड है, उसमें सच्चाई, लाल बिहारी भाई समझत है, भगवान के नाम पे खाली ठगी बा, कहीं आचरण में बा नहीं। तो एक बात बड़ा अच्छे से समझ ले, यह भगवान शिव जी की परम पवित्र रचना है, यदि यह बात जानने के बाद भी कोई जीव किसी जो है प्रपंची के साथ बैठता है या जाता है, तो वह शिव जी और राम जी का सिर्फ विरोधी होगा, वह जो है प्रभु को मानने वाला नहीं। और ऐसा अगर जिसके अंदर भाव हो, ठीक ना, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में जो है तमाम पंथ खुल गए हैं, स्थिति क्या है, भगवान शिव जी कहते हैं कि को न कुसंगते जाय न साई और रहे न नीच मते चतुराई, कुसंग में जाने पर किसका नाश नहीं हो
और जब नीच के मति के अंदर आ जाएंगे तो सारी चतुरता समाप्त हो जाए, ठीक ना। इसके बाद भी यदि कोई भी अगर कहीं चर्चा उर्चा में बैठ रहा है तो वह अपने आप को मात्र शिव जी और श्री राम जी का द्रोही जाने, उसको करोड़ों कल्प में मुक्ति होने वाली। इसके पहले अगर यह पता नहीं था तो जो कुछ किए वहां तक चलेगा, वो सब नाश हो जाएगा, लेकिन यह बात दे दिया गया अब इसके बाद जैसा करना। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर भूल जाइए। इसलिए सरजू भाई, भगवान शंकर जी उस समय वाणी दिए हैं जब विभीषण प्रभु के चरणों को याद करके तमाम समझाए रावण को, पैर पे भी गिर पड़ा लेकिन नहीं माने, ठीक ना, नहीं माने। और जिस समय वो चले उसी समय शिव जी की यह बाड़ी है, पार्वती जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी अकर कल्याण अखिल कहानि। साधु के बाणी का अवज्ञा करना माने आज्ञा का पालन न करने से समस्त कल्याण की हानि उसी क्षण हो जाती। अब यह बाणी आप लोगों को दे दिया गया, ठीक ना गणेश जी, हिंगराज भाई, एकदम कहीं पे पवित्रता नहीं है। लाल बिहारी भाई, ये बात के समझ में आ गल, इसलिए समझें क्योंकि पाखंड को उखाड़ना है तो उनका साथ देने, अगर साथ देंगे तब तो उन्हें दम मिली, ठीक ना। कोई भी कहीं हर जगह मंदिर हो, कहीं भी हर जगह पाखंडिया लोग बैठे हैं, इसलिए कोई मतलब नहीं है। आराम से शिव जी का निष्काम भजन, निष्काम सेवा, यही ना, ठीक। देखिए शिव जी की जो प्रेरणा है कि भाई सही बात जब बता देंगे तब तो आप बिल्कुल शिव जी की बात मान रहे हैं, ठीक ना। और रही बात की जो भी गलती हुआ उसको सब माफ कर देंगे, लेकिन यह बात जानने के बाद भी अगर वो गलती करते हैं तब करोड़ों कल्प बीत जाए लेकिन जो है वो मुक्ति होने वाली नहीं। जैसा भाव आया वो साफ साफ। तो हम लोग दोहा नंबर 314 पर रुके थे और दोहा रहा कि दीन बंधु सुनी बांधु के बचन दीन छल ही अदेश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीनों के बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित बाणी को सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल बाणी बोले, ठीक ना। अब देखिए वह बाणी क्या है, प्रभु श्री राम जी की बाणी है, इसको यथार्थतः माने वास्तविक रूप से एक एक बाड़ी को चित्त में बैठा लो।
अब आज ऐसा अवसर है तभी तो वज्र हृदय बनना पड़ा, यही ना। तो देखिए, जब बाड़ी छल रहित हो और दीनता में हो तभी यह बाड़ी देना चाहिए। तो आप लोग निर्धारित अब तक कर लिए है कि छल को छूने नहीं देंगे, जहां थोड़ा बहुत हो रहा है तो उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए बाड़ी आगे बढ़ रही है। तो तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरहिनरी पही घर बने की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हम ही तुम ही सपने हूं न कलेशु। कहते हे भाई, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है, ठीक ना। गुरु है और श्रेष्ठ संबंधी है तो उनका कार्य है, बच्चों का कार्य ने हमारे सिर पर। जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है, ठीक ना। तो गुरु वशिष्ठ जी हो, अब ऐसा तो गुरु नहीं, वशिष्ठ जी के जैसा गुरु है आज, या विश्वामित्र जी या जनक जी, तो लीजिए आप लोगों को इन सबके ऊपर सबसे बड़ा गुरु शिव जी को दे दिया गया। जब शिव जी साथ में है तो सपने में भी क्लेश, ठीक ना। अब अगर शिव जी को छोड़ करके अगर भागते हैं तब शांति किसी काल में भी प्राप्त नहीं। इसलिए प्रकाश का जीव जाने के पूर्व सब कुछ शिव जी को समर्पित कर दिए, अब शिव जी रक्षा करें, यही ना। तो शिव जी यानी सत्य को लेकर के आप लोग है, या जो भी शरीर के चरित्र को पवित्र भाव से समझ रहा है, चाहे वो गांव के भाई लोग हो, चाहे भुवनेश्वरी अनुराग हो, जो भी लोग है, सब लोग ऐसा विचार रखे कि छल न छुए। विचार में ऐसा विचार न हो कि किसी से कह न सके, कर्म ऐसा न हो, बाड़ी किसी को ऐसा न हो, यही ना। भुवनेश्वरी के लिए तो सीधे है कि संसार से वज्र होना पड़ेगा, देश काल और स्थिति यही जो है संकेत दे रहा। अगर शिव जी के प्रति, रविशंकर के प्रति, प्रकाश के प्रति, राम के प्रति, शिव के प्रति, सबके प्रति आस्था है तो इस नियम को पक्का करना। गणेश जी को गणेश जी बनना पड़ेगा, आपको अपने चित्त में सिर्फ राम ही जी को खिलाना होगा, सरजू भाई को सरजू है बनना पड़ेगा, ठीक ना, कल्याण होगा ठीक है। और थोड़ा सा भी प्रेम हो तो राम सिंह भाई को बिल्कुल शत्रुघ्न भाई ही बनना होगा, और राम जी भाई को लक्ष्मण जी ही बनना होगा। निषाद भाई तो अपना खींच रहे हैं लंबा, ठीक ना, वो भी अपना लगे हुए हैं,
है ना। अब लाल बिहारी भाई जब बिल्कुल जो है बिहारी भाई का लाल हो जाए, माने कृष्ण जी राम जी के भक्ति में डूब जाए, तो जय भैया तब सबका जय होगा है। तो कहे गुरु ऐसा कहानी जो ना बचपन में माही दादी नानी कोनो सुनाई नहीं है, ठीक है। हाँ ये निश्चित है। अब लोग अपना जो चरित्र होना चाहिए वो करेंगे नहीं, और ममता वाला जने राम जी भाई क्या कहिए ना, जब इनका सबका एक को जब न चली ना माया जब न लगी तो कहिए तू हमें समझते नहीं, हम तुके कितना मानी ला तू हमें नहीं समझते और जबकि निश्चित बात कि जहाँ अलौकिक प्रेम रही वहाँ शरीर छूट जाए लेकिन विश्वास कभी नहीं टूट सके नहीं। तो जब शिव जी ही है, शिव जी को लेके चलेंगे तो कभी सपने में भी अशांति। अब कहाँ है संसार में जनक जी जैसा ढूंढवे मनई, कहाँ गुरु वशिष्ठ जी की तरह गुरु ढूंढवे, ठीक। ये प्रभु श्री राम जी की बाड़ी है और आचरण सहित आप लोगों के पास, ठीक ने। तो मोरे तुम्हारे परम पुरुषारथु अश्वारथु सुज सुधरमु परमारथु अपितु आयसु पाली दुहु भाई अलोक वेद भल भूप भलाई। देखिए प्रभु श्री राम जी क्या बाड़ी दे रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ स्वार्थ, पुरुषार्थ और स्वार्थ, सुयस सुंदर यश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन राजा की भलाई यानी उनके व्रत की इच्छा रक्षा, उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला, ठीक ना। कितनी बड़ी बात प्रभु, यही पुरुषार्थ है। जब एक बार आज्ञा हो गई शिव जी की कि मात्र चित्त में राम जी को ही खिलाना है, बाकी के जो है किसी वासना का जगह, तो प्रयास तो उन्हीं का हो और कहीं से थोड़ा सा भी अगर ठक ठुक लगे तो उसको जो है ठाए ठाए उड़ा दीजिए कि नहीं अब तुम लोगों का जगह सोच में जगह नहीं है। शरीर से सेवा हो लेकिन सोच में जगह नहीं है। गणेश जी पकड़ में आवा था, सोच में जगह रही तो ठीक, क्या है कि अब पूर्ण विश्वास भी मिलेगा, ठीक। यही है परम पुरुषार्थ, यही है परम पुरुषार्थ। स्वार्थ, स्वार्थ भी यही है, असली स्वार्थ यहाँ बा, धन का लालच कोनो मतलब नहीं। और यही धर्म है और इसी में परमार्थ है। सरजू भाई जब पूछब तो बोल सकल है, जने हंस के काम ना होई एकदम, न तो हम भाई ने हमारे बात तब सरजू बनबे, कोई डरपोक रहे ओकर नाम रख दे बहादुर सिंह,
तो बहादुर हो जाई या नहीं। तो माई बाबू नाम सरजू रखे बा ना, पक्का सरजू बनाओ, सरजू में खाली रामे जी हो, सरजू के चित्त में राम जी, ठीक ना। दूसर जगह नहीं बा, ठीक ना। ये कह कि कोई कहे कि तैसे आखिर बारे में सोचत लगी सोचे, नहीं भाई। चरित्र के माध्यम से सब रास्ता सबके मिल गा बा। अब ये पूरे धरती पर जितना भी लोग शरीर से अलग अलग रूप में जुड़ा बैन, चाहे भाई के रूप में जुड़ा बैन, चाहे आध्यात्मिक पुत्र के रूप में या आध्यात्मिक पत्नी के रूप में या मित्र के रूप में, बस यह एक जो है सहयोग करे, जे जहाँ भी बा इतना सहयोग करे कि अब इनसे निजी जीवन के कैसे चलावे के बा, न तो कुछ पूछे के बा, न तो जौन चलता ओके कोनो जनो सूचना यहाँ देवे के बा। कहे कि पूरा का पूरा श्वास शंकर जी के समर्पित बा, तो शंकर जी से अब कोई विरोध न करे, वही में सबकर परम कल्याण बा। और जो आदर्श आचरण हो वही के मार्ग के चले, मार्ग पर चले से सबके परम धाम प्राप्त हो जाए। नहीं कहे कि शरीर यहाँ बैठा बा, लेकिन एकर जितना भी बाणी निकला था उस सब ब्रह्मांड के बाहर से कंट्रोल बा। अब इनकर निजी कोनो इच्छा के जगह नहीं बा। ये सब तत्व के अच्छे से विचार करके आप सब लोग एकर पालन करी है तब तक आपका सच्चा प्रेम बा। अगर एकर पालन नहीं होता तो ममता मोह से इनकर कुछ लेना देना नहीं बा। एक लोग बहुत अच्छे से अपने हृदय में धारण तो ध्यान दे। अब प्रभु श्री राम जी की यही बाड़ी जा रही है शिव जी के सेवकों के लिए, अहंकारियों के लिए नहीं। लाल बिहारी भाई, श्री राम जी खुद बतावता है कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले अचले हुकुम अग पग पर ही न खाले। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा यानी आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता यानी पतन नहीं, ठीक ना। लेकिन जब शिक्षा का पूरा पालन करेंगे तब, और थोड़ा सा अगर अपना बुद्धि लगा देंगे तब फिर वहां गुरु पिता माता और स्वामी का कोई वैल्यू नहीं। जब कपट डाल दिला उनमें तो कहा, यही ने बहुत बड़ी बात है। और आज कलयुग में गुरु माता पिता पति कोई भी पवित्र नहीं रहा, कोई भी पवित्र, तब भगवान शंकर जी के प्रेरणा को ही शरीर लेके आना पड़ा। जब एक को रहते हैं तो जरूरत पकड़ में आता ने। तो वसे बिचारी सब सोच बिहाई पालहू अवधय अवधि भरी जाई। तो ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अयोध्या जाकर अवधि भर उसका पालन करो। तो जब तक सतयुग की स्थापना न हो तब तक कोई जो है दर्शन की लालसा
न करे, ठीक ना? यही आज्ञा है किसकी? श्री राम जी की। यानी जब श्री राम जी में मिल गई तो वह हो गई, गंगा जी में जब पानी मिल गए तो गंगा जल नहीं होगा, है ना? अब कहाँ, अब नदी नाला कहाँ रहेगा, अब कहाँ रवि, कहाँ प्रकाश, कहाँ रह गए, ये ना? हाँ। लेकिन जौन पवित्र भाव बा, पवित्र भाव निष्कपट, जो इस मार्ग पर चलेगा उसे जो है अपार शांति, यही ना? तो देशु कोशु परिजन परिवारु अगुरु पद रज ही लाग छरु भारु। अब तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पाले हूँ पुहुमी प्रजा रज धानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है, इनके चरण की रज माने धूल। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर उसके अनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन यानी रक्षा भर करते रहना। भरत जी कहे कि भाई संकोच छोड़ के बता दे, बता दे, बस रक्षा करना आपका कार्य। और आप लोगों को सब बैठे हैं भरत जी के साथ ही कि अलग से बैठा हुआ है? तो आप लोगों के लिए यही है कि जो आदर्श मानव धर्म है निष्काम सेवा से लेके संतोष तक, इसकी रक्षा करना मुख्य कार्य है, बाकी कुल साधन हो, ठीक है? और वो मुख्य कार्य कब हुई? जब गणेश जी बनिए। अब पक्का पक्का आप लोग समय का ले एकदम, जब पता होगा कि यह करे के बा तो मैं सोच के जगह कहाँ बा ने? और देखिए आप उस दिन पूछ रहे थे कि महाराज ऐसा ऐसा जो है संसार में नेता लोग आते हैं और ढेर सारा भरोसा देखते हैं फिर जो है नहीं खरे उतरते, तो क्या इसी को राजनीति कहते हैं? प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, प्रभु श्री राम जी की नीति है जो कि भाई भरत को दिए हैं, ठीक ना? क्या कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक अपालय पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। श्री राम जी कहते हैं कि मुखिया माली गोरे के गांव का प्रधान आगे कुल है बा मुख के समान होना चाहिए। जो खाने पीने का कार्य तो अकेला करता है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता ने? कि अंगूठा के कम मिला तागत सबके बराबर मिला था ने? तो यही आदर्श मालिक का नियम, जो भी आदर्श राजा हो उसकी प्रजा उसी के बराबर होनी, ठीक ना? वो रहा ऐसा राजा रहे जनक जी, ठीक ना? और आज तो सब खून पिए वाला जो राजा और
गुरु, तो इन सब बात को समझना चाहिए। नहीं और क्या राजनीति सीधा सीधा देखो, प्रभु राम जी कहते हैं कि राज धर्म सर बसु एतनोई अजिमी मन माह मनोरथ गोई। राज धर्म, नीति माने धर्म, राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता। जो सच्चा घर का मालिक ही नहीं बन पाया वो गांव का प्रधान क्या बनेगा? है और जो गांव का सच्चा प्रधान ही नहीं बन पाया वो ब्लॉक का वीडियो क्या बनेगा, फिर वो डीएम क्या बनेगा, फिर वो मुख्यमंत्री क्या बनेगा, फिर वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो मुख्य आधार है कि जो अपने आत्मा का सेवक ही नहीं हुआ वह कोई भी जीवन पवित्र जी ही नहीं सकता। और सबके आत्मा ही है श्री राम जी। तो अपने अपने अहम भाव को बिल्कुल गलाकर, यानी गलाकर माने उसको चीता पे जलाकर श्री राम भक्ति रूपी गंगा की धारा में प्रवाहित करके कि अब नामो निशान मुर्दा तुसे जलाओ ला तो देखे कुल पानी छोप छोप के दम कि तैसा रखे रह ले नहीं ने, तो अहम के एकदम फूक के भक्ति के धारा में बहा के जो प्रभु श्री राम जी का सच्चा सेवक बन जाएगा वही सच्चा पुत्र, सच्चा भाई, सच्चा पति, पिता, मालिक, प्रधान, वीडियो, डीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है, देश का सेवा कर सकता है सबका। जो अपने आत्मा का ही सेवक नहीं हुआ वह मात्र एक निकृष्ट जीव है। और कलयुग में सब ऐसे ही पैदा हो करके निजी इच्छा का अंत नहीं कर पाए और ढेर सारा कपट डाल करके आत्मा श्री राम ही जी में भेद पैदा कर करके नाटक कर दिए और सब उसको धर्म मान के चल रहे हैं। एकर अनुभव बैठा था कि नहीं? ठीक न? तो शिव जी है शरीर के मालिक और ये शरीर शिव जी के सेवक, सेवक तो निष्काम सेवक, कौनो कामना लड़कन के कामना रहला लेकिन अगर बड़ा हो गई ले तो कामना से मुक्त हो जाए। ये ने कहे जहाँ कामना रही वहाँ ओकर एक संगी हो कपट, जहाँ कामना रही वहाँ कपट के आना ही आना बा। नहीं तो कामना बा मेहरारू तो कपट बा ओकर पति, तो मेहरारू चाहे नैहरे चल जाए तब वो लोग पहुँच जाने, तुलसीदास जी पहुँच गए। तो कामना रही तो कपट, यही से निजी इच्छा के कोई जगह नहीं। अब अनुभव होएगा तो बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति अबिनु आधार मने तो सुन साती। श्री राम जी भाई भरत जी को बहुत प्रकार से समझाए, ठीक ना? परंतु कोई अवलंबन पाए बिना
भरत जी के मन में संतोष नहीं हुआ और न तो शांति। एक आधार चाहिए, एक आधार। तो देखिए, इस शरीर से विश्वास का आधार तो सबको मिल गया, इससे बड़ा आधार क्या हो सकता है? ये ने तो भरत शील गुरु सचिव समाजु असकुच सने है बी बस रघुराजु। इधर तो भरत जी का शील, शील माने वही मर्यादा, और मर्यादा कब रहता है? जब परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग होता है। तो इधर भरत जी का परम पवित्र प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री राम जी संकोच और स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। जाने अब कौन आधार दे ही? यह चुनौती अपन रखे आप बदे, यह आधार। और देखा, आधार तो ही देखा हुआ, ये शरीरी का मोह नहीं करे के ये चुनौती का आधार रखबे, कोनो दिक्कत नहीं बा। भुवनेश्वरी के तो यह नाखून का आधार मिला हुआ, गणेशो जी के वह मिला हुआ, और विश्वास का आधार सबके बा, ठीक ना? तो बहुत अच्छा जो है ये चौपाई बा। देखो, श्री राम जी हमेशा पवित्र प्रेम और संकोच के बस में रहत, तो उनके सेवकन के भी वो सही रह चाहिए नहीं गणेश जी? तो प्रभु करी कृपा अपावरी दीनी सादर भरत आशीष धरी लीनी सादर भरत। भरत जी के प्रेम बस प्रभु उन्हें अपनी चरण पादुका देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता। तो प्रभु आखिर में भरत जी के प्रेम बस कृपा करके अपनी खड़ाऊ दे देते हैं और भरत जी आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लेते। तो प्रभु की खड़ाऊ क्या है, आप लोग भी कर दें? तो जेके जेके करे के होए तो मोह माया और निजी इच्छा से मुक्त हो जा, मोह माया और निजी इच्छा से मुक्त हो जा, निष्काम सेवा निष्काम भजन, यही प्रभु की जो चरण पादुका है उसका आदेश। यह बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ पर बात में मिलावट करने का कहीं जगह, जो भी प्रेम करना चाहता है पक्का वह इसको धारण कर ले, ठीक ना? और शांति सुमति और पवित्रता, इन छओं को स्थिर रखते हुए निष्काम सेवा निष्काम भजन करे और सीधे परम धाम का अधिकारी हो जाएंगे। नहीं तो उस 60 साल रामायण पढ़ो चाहे 200 साल पढ़ो, उससे कुछ लेवा देवे के, ठीक ना गणेश जी? पक्का पक्का, यह बाबा।
अगर ये सब भंग हो रहा है तो अपने आप को भगवान का सेवक कहने का अधिकार नहीं है भाई। जब करे तो करे, लेकिन कर ले है, ठीक ने? तो अहम बा, अगर निजी इच्छा का त्याग नहीं बा तो का बा? जब हम भाई तब ना हमारी इच्छा बा, तो वो हम बा, तो वो शरणागत भाव नहीं बाबा। देखा बात जोन बात सक्का पक्का पक्का बा। हाँ, यही से कहा थी ना भाई भरत जी, सन कहा भाई रविशंकर बहुत रोए लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं, ठीक ने? हाँ, मैं बहुत आनंद बाय के पकड़ा, जे भी ये शरीर से कौनो रूप में प्रेम दिखावे चाहे ओके यही अवस्था में आवे के पड़ी, नहीं तो वो प्रेम नहीं बा। चाहे कि अब वो प्रेम ग्रहण करे वाला मोह ममता वाला, तू हमें समझता नहीं, खाली अपने कहला तो कह कितना प्रेम करी ला है भगवान का करी, एने का हो गया ऐसे ही ना। गणेश जी के माता जी मुर्गा कटवाओ नहीं, हमारे लड़कवा के का हो गल भैया, एक पंडित आया लेकर दीवा के जनों घुमा देवा, ठीक समझा? कहे कि भरत जी धारण कर सकले, और भरत जी हैं श्री राम जी के पवित्र प्रेम की साक्षात मूर्ति, जने निषाद राज भाई। अब देखे यहाँ तनको फिसले के जगह जो सेवा होता कहीं दिक्कत बा, तन्नी सा सोच के जगह न होए के ई कवन लीला करता है प्रभु। ये ने 2008 में वो जीव के शरीर छूट कर रहा 14 नवंबर के 2008 में वो जीव के जगह मिला बा, तो वो अपने लीला करी ने, जेकरे पास पावर रही काहे के कहत है, तेकर अर्थ बा कि नह छो चीज में विघ्न नहीं बा, निजी इच्छा मोह माया के पहुंच अब यहाँ तक नहीं बा, न तो शांति सुमति और पवित्रता के भंग करे के कही। हाँ, तब ये बाड़ी आप लोगन के दिया था जने, ये संसार में का प्रवचन करिए सब कुछ बा नहीं, और बोलिए यदि आप लोग बताओ तो कभी समझो भाई, खुदता तो वो बल्किन बढ़िया बा, जने भगवान कृष्ण का कोई बाऊ बा पंचम भाई, थोड़ा चित के रखो, यहाँ ऐसा ही हीड़ा कसपू रहा जने, ओके फाड़ेन भगवान, जो भगवान की बाड़ी काट दे उससे बड़ा निकृष्ट जीव कोई नहीं है, समझने की कोशिश करिए। ये सब महारक्षस है, इन सबके पास नोटिस गई थी और कोई सामने नहीं आया है, क्या लिखेंगे? एक ब्राह्मण का लिखा हुआ था, उसकी हत्या करा करके उसी पर अपना फोटो छाप करके बेच रहा है, बात करते हैं है ताकत तो सामने आए, क्योंकि इस समय अगर इस स्थिति को अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो बहुत महाप्रलय की स्थिति आ सकती है। कौन लिखता है? उसके पास ताकत है, ब्राह्मण की हत्या कराया है राक्षस, उसके यहाँ नोटिस जा चुकी है, जितना दिन भक्तों का खून पीना पड़े पी ले, और यदि आपके अंदर उसके अगर बात भी याद आती है तो कृपा करके यहाँ पर आने की कोशिश न करें, क्योंकि आपके आने के पहले ही यह बात कही जा चुकी है, समझ रहे हैं? बात वहां से हो रही है और ये सारी बाड़ी जा रही है। हाँ,
ऐसे ही है सब, उतना डोज की जरूरत बा इसे देवे के पड़ता, और कोनो बात समझ ले। यही सब तो सबके दिमाग में भर गया है, मेहरारू दूसरे का स्वामी दूसर, हनुमान जी सेवक है, यहाँ पर कोई एक सेवक नहीं है स्वामी बनने की बात करता है, ऐसा महानिकृष्ट जीव इसीलिए तो बैठा है शरीर यहाँ पर, ताकत नहीं है किसी में, नहीं जाके मेरी ये पूरी बाणी सुनाइए, है किसी राक्षस के पास ताकत तो आए, भक्तों का खून पीने वाला निकृष्ट जीव, एक सत्य बोलने का ताकत नहीं है और लगा अपन बुद्धिया लगावे सब जदे, ये ने देखे भाई कपट रहे तो बैठे के जगह नहीं बा, ये सब एकदम निकृष्ट जीव है, शंकर जी की बाणी कहते हैं, और आपको लगता है कि भगवान के जो है कि हाँ ये माया के अंदर ताकत है, ये जो आप लोग मैथुनी क्रिया करते हैं सेक्स वाला, इससे भगवान पैदा नहीं होते हैं, उसे पूछिए उसकी माँ गई थी गई उसके बाप के यहाँ कैसे पैदा हो गया, अगर ऐसे कोई पैदा होता तो भगवान कभी नहीं हो सकता। आप लोग अंधेरे में मत रहिए, बात अगर साफ साफ है, अगर अंदर में कपट है तो कृपा करके रूप दिखाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो है अगर कहीं तो शरीर बैठा हुआ है सामने आकर के लोग प्रमाणित करे, नहीं तो जाए बिल में घुसे, यहाँ उद्धा बुद्धा अबीरा कबीरा जितने भी ये सब मोहम्मद मोहम्मद यीशू फीसू है, इन सब राक्षसों का कोई जगह नहीं है, जो भगवान में कपट पैदा कर दे, भगवान में भेद पैदा कर दे, ऐसे निकृष्ट जीव का कोई जगह नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए उनका काल आ चुका है धरती पर, बहुत जल्दी जो है सब उखड़ के फेंक जाए दिए जाएंगे, ठीक है। मन में अगर कोई अगर भेद रहे तो भाई ठीक ना भैया, तो प्रभु करी कृपा अपावरी दीन ही सादर भरत अशीष धरलीनी सादर भरत, कृपा करके खड़ा उदे रहे, ठीक न। आप लोग क्या कहें, ऐसी वाणी निकल रही, आप लोग कृपा के अधिकारी है नहीं, मांस मछली में मरे हुए जीव है, प्राण दिया जा रहा है, समझिए इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले कुछ दिन राम जी भाई के साथ टहलिए, आइए तो बड़े भाव से सुनिए, समझिए ये शंकर जी की रचना है ना, और वही जो है सृष्टि में सबके माता पिता, ठीक। तो चरण पीठ करुणा निधान के अजन जुग जामिक प्रजा प्राण के असंपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जनु जीव जतन के, करुणा निधान, निधान माने खजाना, करुणा के खजाना, श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं, प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार, एक खड़ाऊ की आज्ञा है शांति सुमति और पवित्रता, और एक खड़ाऊ का अर्थ है इच्छा रहित मोह माया रहित, जो मोह माया में जकड़ा हो वो बाबा बीवी होगा, ऐसे राक्षसों का गुलामी करने वाले दस्याओं के भड़ुए हैं लोग, समझ ले, हर किसी को अपनी अवस्था पता होना चाहिए, एक था राक्षस राम बलि करके उसको डांट के बताए वो आया नहीं कभी, दस्याओं के भड़ुए हैं सब, आप लोग भी अगर इनसे अगर रिश्ता रखना हो तो बंद कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है सुनने की, नहीं सीधे बाइक काट कर दीजिए। सरजू है अंगद जी हनुमान जी जब लंका में कूदे न तो कुल सस्वन के मारा हो बोले जय श्री राम बोल हाँ एकदम उत्पात मचा दिए है,
जो दूसरे का बिना मांगे धन हरण कर ले बेस्या होता है नाथ, ये नीति है। वेद को काटेंगे, कलयुग के भाड़े के नौकरी करते हुए जो है शर्म नहीं आती ये ने। और भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए, प्रेम रूपी रत्न के लिए यह दोनों खड़ाव ही डब्बा के समान, ठीक ना। और जीव के साधन के लिए राम नाम के दो अक्षर हैं, ठीक ना। इसी दो अक्षर में ही अपने चित्त को मिला देना है। ठीक ना। कहीं दिक्कत तो नहीं बा? हाँ, इसी में मिलना है। कोई सेवक अलग से अगर जो पंथ रचता है वो पाखंडी होता है, ठीक ना। इस बात का एकदम ध्यान रखिए। ऐसा ही सब लिख दिए हैं, ऐसे ही जितना ये सब ड्रामा देख रहे हैं, नाम करना है, पूजा कराना है, दूसरे के मेहरारू अपने आप को स्वामी कहलवाना है, इतना बड़ा बड़ा लालच ले करके ये बेस्या के भड़ुए हैं सब, और उन्हीं की चमचागिरी करने के लिए सब आ जाते हैं। कहीं सुन लिए कि बहुत बड़ा लिख दिए, आके देखे बग दिए। जबकि कुछ नहीं, प्रभु राम जी के अंदर अगर मन हो तब तो बैठे, अगर न हो तो जाइए बेस्याओं का चमचागिरी करिए, कुछ लेना देना हाँ नहीं। आइए सुनिए तो समझिए, शिव जी का कोई बाप नहीं हो सकता, ध्यान दे, वहां से समझे बात को। 60 साल से जो है भैया रामायण पढ़ रहे थे, कितना डांट मिला सरजू भाई। हाँ तो समझे, क्योंकि ये सब मात्र प्रभु की लीला है। कलयुग के प्रभाव से सब लोग धन वंश चेला नाम पूजा प्रतिष्ठा ये सब कामनाओं से बंधे हुए हैं ने। लाल बिहारी भाई बतावे, अगर गैया के खूटा से बांध देवे दुआरे तो वो जा करके जो है कि बगीचा में या जंगल में चोर के आ जाई, जेठुआ से बांध देबो वही के चारों ओर घूमबे ने। तो इच्छा से अगर बांध देला बुद्धि के तो के अगर चाही, अगर एक है चेला चाही तो तू वही बदे नचबे। और यहाँ करोड़ों करोड़ों एक पति व्रता नारी के एक पति होला और एक बेस्या के ढेर सारा ग्राहक है, तो जेके जो है कि 600 करोड़ चेला हो ना तो समझ लो 600 करोड़ जाने मनईन का बेस्या हो। इतना निकृष्ट जीव है, इतने औकात हो तोरे अड़गड़ा गड़गड़ा के, समझ ले नहीं। जैसे अभी मुंह से निकला कोई तो सुने हो बे, समझा ये बात के कहे कि बात बहुत अलग बा। लाल बिहारी भाई हाँ ये सब समझो, जिस संत को अगर चेला है तो वह मात्र बेस्या है, वह संत, क्योंकि जो संत होगा वह मात्र शिव जी का जो है एक सेवक होगा इकलौता। आप लोगों के अंदर भक्ति का प्रवाह हो ऐसे इतना बोले के ठीक। तो कुल कपाट करे कुशल करम के बिमल नयन सेवा सुधरम के, और भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए, रघुकुल की रक्षा के लिए ये दोनों चरण पादुका किवाड़ है, ठीक ने। और कुशल
यानी श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ के भांति सहायक है, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र, दोनों नेत्र वही दोनों खड़ाऊ है, क्योंकि सेवक धर्म बहुत कठिन होता है ना, इसमें मोह ममता का जगह नहीं होता है। अगर जिक्र अंदर मोह ममता बाबू सेवक पंचम भाई नहीं बन सकत, समझे? सेवक माने सिर्फ निष्काम सेवा, बाकी कोनो चीजी का मतलब नहीं है। और भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित, ठीक ने? यही तो बा, जब पता होगा कैसा काम नहीं करेंगे, बाकी शांति सुमति पवित्रता में दिक्कत आवे और मोह माया और निजी इच्छा आवे, लोग मुख रास्ता से बहुत दूर बैठ जाने, और हम गलावे के तागो तो वही, अब वही बदे हुए लकड़ी उकड़ी जुटा हुआ था ही, तो फूकी फूका में, और ऐसा राक्षस बहन की देखे फुकात है ओ में उड़ जाता है ने। भाई भरत जी को तो ऐसा सुख मिला कि जैसा सीता राम जी के साथ में रहने से होता, उतना सुख मिला, ठीक ने? तो जब शांति सुमति पवित्रता मोह माया इच्छा से मुक्त अगर कर ले ले, शांति सुमति पवित्रता के रख ले ले, तो बस सीताराम जी बैठ गए, इतना काम करेंगे बा। भाई भरत की स्थिति ना हो तो किसी को गुरु की गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है, यह ने गमछा हटाओ, ये नहीं कि कपारे पर मारी ने। देखे हुआ बात एकदम पक्का बा, कहे कि कुल मिला के भक्ति के भाव जैसे अंदर बैठी ओन वह चरित्र यहाँ से भगवान के भक्ति कैसे मिले वो वही बदे। तो बतावे अब यही की तरफ बढ़वे कि दूसरे रास्ते पर जाइए, यही में देखा तुरंत ना हो जाए, लेकिन तुमा गेउ विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमर पति कुटिल कुओ सरूपाई। भरत जी प्रणाम करके विदा मांगते हैं और तब श्री राम जी उन्हें हृदय से लगा लेते, और इधर कुटिल इंद्र बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। अब लोगों का चित्त वहां से उचट गया कि अब जो है अयोध्या की तरफ ही बढ़ना है, अब दाल गलने वाली, ठीक ने? अब पंचम भाई क्या बात है कि अगर एक पत्थर बा बड़ा सा और ओके चाहत है मूर्ति बनावे बदे, तो पत्थर से अगर थोड़ा सा टुकड़ा लेवे चाहे ये बड़ा का पत्थर बा और उसे कहे अरे यार ईसा तू यह राजा, तो आई ऐसे तो क्या करे की पड़ी, किसवा से तोड़वे घन से तेन एन अपन समय सफा पर घनो मारा लेन बड़ा तगड़ा, तेन में जेका भक्ति के भाव नहीं बा वो छटक के भाग जाला, और उसके बाद में धीरे धीरे छेनी थोड़ी से, ठीक है? तो सो कुचाली सब कहा भाई नी की अवधि आस समय जीवन जी की, अन्न तरु लखन सिय राम बियोगा
हरी मरत सब लोग कुरोगा, वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। अब देखिए आधार मिल गया नहीं तो उच्चाटन न होता। अगर उच्चाटन अगर इंद्र न करता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। नहीं देखो भाई, यहाँ तो सतयुग की स्थापना तक का अवधि दिया गया था, ठीक नहीं? तो अवधि में एको जने अभी अपन सेवा शुरू नहीं करें, जेके जौन बतावागा, ठीक रहे, उनमें खाली चार पांच जने अपन अपन जौन अनुभव बा लिख के सबसे पहले भुवनेश्वरी तो बोल के रिकॉर्ड भेज दे, बाकी वो रहे पुरिया से दो तीन जने, अपन अपन अनुभव तक कोई नहीं बोल सकता जाने। सब यही चक्कर पड़ा बा कि एक एक गलती करे तो वही में उन्हें एक तरफ कलयुग बा, बीच में भक्त बा, एक तरफ मुक्त आत्मा बा भाई। अब जेहर निर्णय ले, अगर ओहर जाएगी बा तो बहुत बड़ा तेजी से बाढ़ आल बा, ठीक। तो देखे भाई, राम कृपा रे बसुधारी अभिबुध धारी भई गुण द गोहारी। श्री राम जी के कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। अब देखे कहा उलझन बा के भाई कुछ सोचता है, यहाँ लोग सोचता है कि एमए लगाव भी रगल है और हमें परम धाम भी मिल जाए, ऐसे कैसे हो भाई? अगर जमीन न छोड़बे तो कैसे उड़बे? तो नहीं प्रभु, तो फिर हम हमारे के चक्कर एकदम खत्म जने। देखे भवा आप लोगन के भक्ति है बदे सब बा, इनमें तनको जो है अलग से कोनो प्रयोजन नहीं बा। तो देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक यानी हितकारी और रक्षक बन, ठीक ना? अब भेटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी भाई को अपने जो है भुजाओं में भर के भेंट कर रहे है, और श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं जने। आजो सब मिलो लें लेकिन फोटो खिंचवाओ बदे नहीं, क्योंकि हम इन्हें प्रेम है नहीं देखवे है। कुल आजकल बिया हुआ होला तो कुल स्टेज बना के ना ऐसे ऐसे फूल छोड़ा दे गणेश जी के, कोई कहे सब छोड़ दे गणेश जी के नाम के आशीर्वाद है नहीं बजा जो जी न रही कहा से दे दे। और जब तक मन पवित्र नहीं हो तब तक आशीर्वाद नहीं आ सकत जने।
तो तन मन बचन उमगय अनुरागा, धीरे धुरंधर धीरे जुत्यागा, तन मन बचन। बार बार यह होता है कि भैया सोच कर्म और वाणी, ठीक ने, तो तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़, तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा, ठीक ने। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री राम जी ने भी धीरज त्याग, जने श्री राम जी भी कहे कि अब परम पवित्र प्रेम कहीं भा नहीं, जने वो एक क्षण के लिए भी जेके मिल जाए तो समझ लो उसका जन्म एकदम परम सफल होएगा। और वो हम लोग अपन रास्ता निकालते हैं कि हमेशा कैसे मिली, हमेशा कैसे मिली। राम जी भाई सोचा था कि गुरु और जो ना कि थोड़ा चले बरसात बस, ठीक ना। अब प्रभु के कृपा से जितना मिल जाए वही में परम संतोष माने, ऐसा कोनो बात नहीं, मन का प्रयोजन तो बा नहीं, लेकिन प्रभु का कृपा भा केहरो शरीर चल दिया तो मैं तनको अफसोस के जगह अब का जगह ने। हाँ। तो बारी जे लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुरे स्वभा दुखारी। प्रभु श्री राम जी के कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा और उनकी यह दशा देखकर देवताओं का समाज दुखी हो गया। क्या करवे, अब रावण जब अत्याचार मचाए बा तो उसमें देखो जब ऐसा स्थिति आवला ना तो ऐसने में देखो ये चरित्र करे की पड़ी ने, दूसर कौन रास्ता बा भाई, ये ने। तो मुनिगण गुर धुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से, अजे बिरंचि निरे लेप उपाये, पदुम पत्र जिमी जग जल जाए। देखो यह ज्ञान के जो मिलत हो यही के अग्नि से मन के कसे के पड़ोला। मनवा बड़ा घोड़ा है चंचल, फटाफट गड़बड़ घुस देला ने, और जे मेहरारू के बस में रही ओकर तो निश्चित भूमि। पंचम भाई हाँ ध्यान दे। तो मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, निर्लेप का मतलब वो लिप्त नहीं थे, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह पैदा हुए, जैसे संसार में रहते हुए भी संसार से अनासक्त, इनकी कोई आसक्ति नहीं, नहीं नहीं तो अगर आसक्ति रहे तो प्रजा का खून उन्हों से पीते पीते जैसे आजकल पियोता है, ये ने। तो ये ऐसा ही बने के बाद पहले संसार में रहो लेकिन कोई से लगाओ, परम पवित्र प्रेम जहाँ सेवा का जरूरत हो दिन रात सेवा दे, उनमें कोनो दिक्कत
लेकिन कह के उसे राग द्वेष रखी तो वो यहाँ पाखंडीन बदे आँख हमेशा लाल रही। इसमें अगर कोई चाहे कि अगर मिलावट कर दे तो वो संभव, ठीक ना? यह न जैसा अंदर वैसा बाहर। अब अंदर से लाल बात भरे से मीठ मीठ बोल रहे है, ठीक ना? तो अब तो यह बाब हाँ देखो, अब यह नियम तो यह बात इतना समझ में आ जाए तो लगाओ के जरूरत, सेवा दे सेवा। तो ते उबिलो की रघुबर भरत अप्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन रहित विराग विचार। जने वे भी जो बिल्कुल अनासक्त थे, श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर बहराग और विवेक से रहित हो गए। मतलब बहराग और विवेक समाप्त जाने, और तन मन बाड़ी से उस प्रेम में मग्न हो। ने रवि गुरु काफी दुख नहीं सहे बहन 18 साल जोन, लेकिन वो प्रेम है नहीं कहीं यार। देखा अब आप लोगन क्या हुआ पैदा होता जाने। प्रभु के यह बा ये सब सीताराम जी का जो है अलौकिक प्रेम का जो है प्रभाव है। ये मोह ममता बोले थोड़ा ऐसा होता एक कॉस के टाइट बहन की नहीं। तो जहां जनक गुरु गतिमति भोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, अबरनत रघुबर भरत वियोगु सुनि कठोर कवि जानी लोगु। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य परम पवित्र प्रेम यानी दिव्य अनुराग को प्राकृतिक यानी लौकिक जोनी माया वाला बा कहने में बड़ा दोष है। कहने में बड़ा दोष है, ये कोनो मोह ममता वाला लगाओ और ये कुल पाखंडियन कहीं अरे जनक जी कह लें जो ना उन्हें कहा उन्हों तो रो दे रहे, यही में जनता के भरमाए बाल जने। आप लोग कभी विचार करो यह जौन अहम भाव बा जौन अब गलत आ करोड़ों जन्म से जने यही ब्रह्मांड में चक्कर और बिना स्वार्थ के श्री राम जी एकर साथ देह बैल और उन्हें प्रेम करे वाला जो है भरत जैसन भाई कहीं देखे सुने के मिला। और जो लालची बहन खुलो नहीं कि प्रेम दिखावो ले जाने, क्योंकि हम बहुत प्रेम नहीं इतना इतना का कोड़ा होगा जाने, इतना उतना नहीं पक्का पक्का जे श्री राम जी के सेवक नहीं बा वो कुछ हो नहीं बा जाने। तो श्री राम जी
और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कभी कवि को कठोर हृदय समझेंगे। अब यही समझ ले कि आज जौन भी स्थिति बा सीधा सीधा जान ले कहे कि इहर उहर के बात नहीं, भुवनेश्वरी के शरीर बा उनकर आत्मा यह बा। इतना कठिन परिस्थिति ब्रह्मा पैदा की बा, ठीक ने? तो वही निरंजन भगवान से ही जो है शंकर जी गणेश जी सब उत्पन्न होला। तब जब गणेश जी बनिए तब वह पहचान हो जाई। तो जब गणेश जी बन जाइए तो कहीं अपन घेरों चला जाइए, कहे कि ये संसार में कोनो नाम करे के नियम, ठीक ने? और ये शरीर तो देखा था वह सूरती फूर्ती खाता, इसे भगवान तो नहीं हो सके, इसे शरीर के चक्कर में मत पड़ जाए, ये ने? ठीक ना गणेश जी? एक काम में जितना जल्दी करवा उतना अच्छा, एकदम अंदर से पक्का पक्का रहो, तन कहे कच्चा हुए तन्नी सा कच्चा रहल देखे वो गगरी ने, कच्चा रहे तब जनो दिक्कत बा। ठीक तो सो सकोच रसु अकथ सुबानी समौ सने है सुमिरी सकुचानी, अब भेटी भरत रघुबर समुझाए अपुनि रिपु दवनु हरसि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव माने इसलिए कवि की सुंदर बाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके उनके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। ये बुद्धि के पहुंच के बाहर है ना सब। और भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी उनको समझाए और फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा। अब देख ले भवा यह व्यवस्था बा, शांति सुमति पवित्रता मोह माया और निजी इच्छा, यही के अवस्था जब बना लेबे, शांति सुमति पवित्रता के रख ले और चित्त के मोह माया और इच्छा से मुक्त कर ले, तब श्री राम जी आपके हृदय से लगा। और इनमें अगर तनको मिलावट बा सरजू भाई तो उन मिलावे वाला गणेश जी ने, तो सब कही भगवान तो बड़ा कृपालु है ना, इतना कोड़ा नियम बा है ना? हाँ। कोड़ा कहाँ बा, सरल तो बा, मोह माया से जो ना दबा बा है, अगर बिल्कुल पवित्र हो गई ना तो ये कड़ा बा। वह ईटा के तरह भवाजन पकड़े रहे, माया नहीं पकड़े रहे, उसे छोड़ दे तो वो सरल नहीं बा। और सेवा से कहाँ दूर कराता है, सेवा देता है ना, ये अवस्था में सेवा दे। कहाँ घरे से दूर कराता है, देखिए जगह चेला बनाओगे वो कपट के विद्या डाली, बच्चा ये सब बेकार है, वो माया आ जाओ हमारे शरण में आ जाओ, हम तुमको मुक्ति दिला देंगे, तुमको भेजेंगे और जा करके मांग मांग के लाना और बना बना के खिलाना, नाटक करे भाई समझने, बाबा गिरी कराता है ये ना। यहाँ इस चक्कर नहीं बा, जौन मौका दिया लो जितना दस मुर्गी बहन वही में देखो यही में साथ पावल है कि नहीं, ये ने पूरा खुला हुआ छूट तो बाप हवा, पहले अपने के शुद्ध करो, ओकरे बाद परिवार के शुद्ध करो, फिर ओकरे आगे बढ़ो, वहाँ हो ही नहीं पाओ तो आगे बढ़ जाता ऐसे ही, ठीक
ठीक ना। तो सेवक सचिव भरत रुख पाई अनिज निज काज लगे सब जाई। तो सेवक मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। मदद तैयारी करें अब चलेगी बाबू का नहीं। असुनी दारुन दुख दुहू समाजा चल लगे चलन के साजन साजा। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दारुण माने सबसे ज्यादा दुख छा गया और वे चलने की तैयारियां करने। तो प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई चले शीश धरी राम रजाई। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके और श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रख कर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। तो मुनि तापस बने देव निहोरी सब सन मानी बहोरी बहोरी। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनके उनसे विनती करते फिर क्या करते हैं दोनों भाई कि लख नहीं भेटी प्रणाम करी असिर धरी सिय पद धूरी चले सप्रेम शीस सुनी सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके लक्ष्मण जी भेजे भेटे और शत्रुघ्न जी प्रणाम किए ठीक ना। राम जी भरत जी लक्ष्मण जी और तब शत्रुघ्न। फिर सीता जी के चरणों की धूली सर पर धारण किए और समस्त मंगलों के मूल यानी आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले ठीक ना। तो सानुज राम नृपहि सिर नाई किन्हि बहुत विधि विनय बढ़ाई अदेव दया बसे बड़ दुख पायउ सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया और समाज सहित वन में आए तो चारों जने ने आ गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी आ गए बैठ गाबा नहीं में और जितना कपट पाखंड था ये सब के उड़ावे वाला जने ये लौकिक व्यवहार हो। यदि आपके लिए कोई चल के आए तो ओकर सम्मान करे कि जने। तो जब भुवनेश्वरी अनुराग वहां पहुंचे न तो बड़े प्रेम से देखो आपसे बड़ा दुखारी कोई
धरती पर नारी नहीं बा, और इससे बड़ा सौभाग्यवती भी कोई। अब इतना प्रेम मिला तो ना लगा कि बात बन गल और अब इन साथे लेके फिर भ्रम आ गल ने। और ये संसार वाला बात कि लोग दूर दूर बिना झगड़ा करे होते नहीं, जब से कुछ तनत नहीं ना हुई प्रेम से, और इन प्रेम छोड़े वाला बात नहीं ने, कुछ भी करे के पड़ जाए यारे। लेकिन पवित्रता में कहीं मल डाले वाला नहीं बात शरीर ने, और लोभ कपट अगर लिए तो ना हुई। अब तो इतना तगड़ा हो गल बा कि इच्छा भी एक लिए ले दाग लग जाए, ठीक ने। चलो तो कहते हैं कि पूरा पग उधारी है दे अशीसा अकिन है धीर धरी गवनु महीसा। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारे, यह सुनकर राजा जनक जी धीरज धर के गमन करते, तो मुनि महि देव साधु सन माने विदा किए हरि हर समय जाने। फिर प्रभु श्री राम जी मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किए, ठीक ने। देखो अब साधु संत जो है कि वो अवस्था के होले कहीं चरित्र में दिखाता। हाँ तो सासु समीप गए दो भाई अफिरे बंदी पगे आशीष पाई। तब श्री राम लक्ष्मण जी दोनों भाई सासु माँ सुनैना जी के पास गए और उनकी चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट, ठीक ने। उतने ज्यादा ये रोआ बुआ नहीं बाबू, आज का देखबा तो सासू माँ लगे रोए हमरे बिटिया के ध्यान रखे बचवा। ये ने अरे ऐसा माया फिरा दिली सासू लोग ने कि सजने अपने माई के भूल जाले, नहीं अपने माई के नहीं भूल जाता है। हाँ और चल दिए हमेशा ससुरा दी। एक दिन का भल ने पंचम भाई अभी दिन परेशान हो गए, लड़की लड़का के पेच ने ते एन परेशान हो गए और उनसे हो गए अपने लुगाई से झगड़ा। तो वो कहो था कि ले अपन केची केचा सभारा हम जाती मैं के क्या कहो था पंचम भाई समझत है कहता है कि तू जा मैं के है ना, हम लड़कन के भेज देते ननिहाल और हम चले ससुराल तू जा मैं के देखे मतलब कब है। फिर एक जगह पहुंच गया तीनों जने ने। एक बार जब संसार में फंसा तो कुछो मौका लगावे, निष्काम सेवा के अलावा कौनो दूसरा रास्ता नहीं बा। ने ठीक ने ये समझा यार, इन सबके प्रेम करा ले नहीं है तो बात बा, प्रेम में इतना तगड़ा उन डाटो ले सब करो ले, लेकिन कुछ भाव हुए बा कि अंदर बात के बैठो। तो कौशिक बाम देव जा बाली पुरजन परिजन सचिव सुचाली
यथा जोगु करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। अनारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सनमानी कृपा निधि फेरे। सबको यानी विश्वामित्र जी, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी, मंत्री, इन सब को छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी यथा योग विनय एवं प्रणाम करके विदा, ठीक ने, जेके विदाई देव के विनम्रता और प्रणाम के साथ। अब जब देखे को बाद में टेढ़ी टेढ़ा होला ने, तो ले अच्छा तू ऐसा कहता बिहान नवाई जा जा माता ये। आजकल लोग अलग होता है तो ये भाव में रहे, उल्टा बा यार, ठीक ना। बिने और भाई बाहर देखा भी है, सीखो भाई, क्या है कि मूड तो ऐसा ही रहा कि कह दे कि जा अच्छा फिर नवाई तो जा माता ये, तोरे बिना हमारे जो ना कुछ। आजकल एकदम तनी तना चलता जने। अब ये सिस्टम का भाग सरजू भाई के बनावे के नहीं बा, नहीं एक सोचिए तो वो दिमाग उथल पुथल हो जाए ने। ठीक, तो श्री राम जी कृपा के निधान छोटे, मध्यम, मझले और सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उन्हें लौटाए। सबका सम्मान, अपमान का नियम कहीं नहीं है, ये तो समाज की व्यवस्था रही, ठीक ना, कहीं कोई दिक्कत अब होता। ठीक, लेकिन यहाँ पर अब वो सांसारिक व्यवहार नहीं बा, यहाँ सीधे बा कि जौन गुरु के गद्दी पे सजे बैठा बा है जने, तो सीधा बा उनका सफाई करो, आदर्श नियम के स्थिर करो और सीधे परम धाम के पधारो, बाकी कोनो प्रयोजन। और यो शिव जी के प्रेरणा से होता, नहीं अपन प्रेरणा खींच ले फिर शरीर छूट जाए। एकरे अलावा कोई कहो कि दूसरे प्रयोजन में बिराई मोह ममता लगा के, तो ओकरे बदे एन जो ना कौर दे बैन, यानी कितनो पानी डाला कितनो करा कुछ हुआ वाला नहीं। तो भरत मातु पद बंदी प्रभु, असुचि स्नेह मिली भेटी, अब विदा की निसजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। फिर भरत जी की माता कैकेयी जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र यानी निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर और उनके सारे संकोच और सोच को मिटा कर पालकी सजा कर विदा, यह न अब समझ ले कि जीव ईश्वर के अधीन बा, तो कर दोष नहीं बा। पहले उस शरीर में बड़ा उमंग आवे, उग्र हो जाए, ऐसे कि भाई जब पवित्र पवित्र कुल बात बा ते में काहे बदे शंका रखत है ने, लेकिन बाद में जब समझ में आ गल कि सब ईश्वर के अधीन बा, में कोई का दोष, तब फिर वह सरल, ठीक ना। तो परिजन मातु
पिता ही मिली सीता, अफिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, अकरी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ परम पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई, ठीक ने, और फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लग के मिली और उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास यानी उत्साह नहीं होता। सीता जी के अगर आप लोग परम पवित्र प्रेम करना चाहे तो शांति सुमति और पवित्रता तीनों के एकदम अंतिम सांस तक के लिए व्रत लेवे के, ठीक ने। तो सुनि सिखे अभिमते आशीष पाई, और रही सी दुहु प्रीति समाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर के प्रीति में समाई यानी बहुत देर तक मग्न रही। जाने देखो शांति सुमति पवित्रता के तो स्थिर करब दे कहा था, लेकिन वो हमेशा नहीं हो पावत है, हमेशा के लिए हो गल बा अभी ने वही के स्थिर कर ले बस ये ने कहे के भी शरीर खाली भगवान भोलेनाथ का प्रेरणा के रूप में काम करो था। अब एकर जो ना जितना चरित्र देख लेते हैं ना उनमें ही मत सोचे कि ये नहीं से काहे करता है, सबके पीछे बहुत बड़ा बड़ा रहस्य बा। तो रघुपति पटु पाल की मंगाई, अकरी प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। तब श्री राम जी सुंदर पालकियां मंगवाए और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाए। देखो सबके आश्वासन यह बा यहां से कि भाई जेकर संसार में ये शरीर से जे जुड़ा बा ये शरीर के माध्यम से कोई के ऊपर कलंक कभी न लगी। अब इसे बड़ा आश्वासन का उ देवे ने, और चूंकि संसार में जीव के लिए ये संभव नहीं बा ऐसे पहले जोन हो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन अब इतना समझ ले कि जेकर जोन मर्यादा बा वो सब बिल्कुल परम पवित्र हो जाए और सबकर कलंक मिट जाए। ये ने कहे कि अब का करवे ऐसे ही बा कितना पवित्र सोचवे ये सब जने के यह चक्कर बा कि कैसे इन गंदा एक के सोचे एक के कुछ करे और हमने पकड़ के धोई। यह नहीं हिंगराज भाई ऐसे सोच ही सोचते रहते ठीक। तो बार बार हिली मिली दुहु भाई, समय सने है जननी पहुंचाई। असाजी बाजी गजे बाहन नाना, भरत भूप दल कीन है पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान
प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाए। ठीक ना, थोड़ा भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान दिए। ये ने कहे कि राम जी का आज्ञा मिटे वाला याने? अब याद करो वो दिन वाली बात जब भरत जी कहें कि बताओ कहो बस का करी, और तब से जनक जी आ गए और तब से देखा इतना लंबा मैं तो जितने जने बीच में ही है उतना लंबा सब यह कही हमसे प्रेम नहीं करता तो नहीं हमरो सुनो हमरो सुने जने हम तो हर कुछ नहीं लगी तू है पंडित कहाँ से आगल तो हर बुद्धि भ्रष्ट कर दे ले बा जने ऐसा ही होई ये चक्कर मत रहे कि ना होई बेड़ा अलग बा क्या कर बे तो निकल गए इन सभी निकल गए लेकिन कैसे तो हृदय राम सिए लखन समेत चले जाहि सब लोग अचेता। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे। तो आप लोग भी वैसे ही अवस्था में आ जाए, शांति सुमति पवित्रता इच्छा रहित मोह माया रहित होके जाने बस आराम से निष्काम सेवा भगवान के भजन बस वही में लीन रहो, बाकी ये संसार में कोई के सोचे लायक हुकारी भरे से काम ना होई खोरे के पड़ी जने वही का समझा शुरू करो जने अब इनसे ज्यादा कुछ मत कहो अब दुबारे आई बरात ओकरे आगे तू जाना था पूरा अब दुबारे के समय अगल बता होई जौन भी 15-16 साल गांव में रहने इन्हें कुल पता था जाना लो तो उसमें ठीक भाई तब जब सभी ने कह बात तो बस यही में मग्न हो जा जाने अब का हुई कहिया हुई नहीं तो ये सब बताओ तो कुछो कर बे नने जो ने इतना कपटी बहन ने हाँ और देखबे तो रामायण के चौपाई लेके जी हाँ महाराज तो का कोनो कहीं जो भी लिख पढ़ रहे हैं या कह रहे हैं का बात कर ठीक तो बस बाजी गज पशु ही हारे चले जाही पर बस मन मारे बैल घोड़े हाथी आदि पशु पशु तक हृदय में हार करके शिथिल हुए पर बस मन मारे चले जा रहे। श्री राम जी के बिना किसी को अच्छा और ये कलयुग में ठीक उल्टा हुआ श्री राम जी के हम और हमार नहीं तो गुरु गुरतीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत अफिरे हर से विस्मय सहित आए परन निकेत। तो गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर
आए जने। अब एक मतलब कि अब उधर का पार्टी उधर है ना, चार्ज निपटाई दी के यने कि रास्ते में रुकवे। अगर रुके गए तो राम जी भाई से पूछे कि क्या करवे, एक दिन और रुकवे। तो राम जी भाई से अगर पूछता तब तक रुक जाइए, इसे राम जी भाई से मत पूछो यने। तो विदा किन सन मानी निसादु, निसाद जी अभी नहीं गए, सब चला गया जने। निसाद जी एक बार रास्ता दिखा दे, सब जा जा आपका क्या है कि निसाद जी तगड़ा संगी हो गया ने, लेकिन उन्हों के जाए के पड़ा। देखे गुरु इतना जो है राम जी एक आगे देखवा, जब अंगद जी के जब सुनवा प्रकरण जब जाए बजे ने लगे रोए, लेकिन कहे नहीं तो के दूर रहे के बस जा। कहे कि वो अनाशक्त है ना, तो सबको अनाशक्त बनी है। कहे कि यहाँ कोई हमेशा तो रही न भाई। तो विदा किन सने मानी निषादु, चले उ हृदय बड़े बिरह विषादु, अकोल की रात भील बने चारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज जी को विदा किए और वे चले तो सही, किंतु उनके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद। ये जो वियोग होला ने, ये बड़ा तगड़ा होला न कुल भयल, तो बाद में वियोगों के छोड़ दे। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम। तो फिर वो वियोग से भी मुक्त हो बल्कि पड़ा, तब जाके निर्लेप बहन ने। इसे बड़ा बारीक बात ठीक। तो निषाद राज जी को काफी भारी विषाद था। फिर श्री राम जी कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को पंचम भाई के साथ लौटा दिए, ठीक ने, और वे वंदना कर करके लौटे। यह ने यही से गुरु कहलन कि यहाँ रात में कोई न रही है न अकेले, आज तो दिन भर ऐसे ही सब चलता रहेगा, ठीक ने। अब देखा सब निवृत्त, अब कोई राम लक्ष्मण सीता जी के अलावा अब कोई कुल बरात विदाई होगा, ठीक ने। देखो तो प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही, भरत स्नेह सुभाउ सुबानी, प्रिया अनुज सने कहत बखानी। प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर प्रियजन परिवार के वियोग से दुखी हो रहे, ठीक ना। लीला में यह बा, नर लीला में, लेकिन ब्रह्म लीला में ही काम ने? भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर बाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, क्या कहते हैं कि प्रीति प्रतीति वचन मन करनी,
श्री मुख राम प्रेम बस बरनी, अतहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। कहने लगे क्या वही स्नेह और स्वभाव, स्नेह माने परम पवित्र प्रेम, परम पवित्र प्रेम जिस पर रही उस पर भाव बहुत अलग रही, जाने वही के जो है परिणाम बा की स्वर पे कोनो भार कि बा राम जी भाई सही सही बतावे। तो यह बा ठीक। तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बस होकर भरत जी, श्री रामचंद्र जी प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति और विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किए हैं, ठीक ने। उस समय पक्षी पशु जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। नहीं, इतना परम पवित्र प्रेम हो उसके बाद ही दूरी दूरी रहेगी पड़े, क्या कर भाई विधि के प्रपंच हो भाई, इनमें ऐसे ही होला। एक बार तो नारद जी राधा जी के श्राप दे दें जने, और कृष्ण जी से उन्हें 100 साल का दूरी दूर है कि पड़ा। यहाँ यहाँ ज्यादा समय तक प्रपंचीय लोग रहो लेन, ये परम पवित्र प्रेम रही ना तो मैं दू जने साथ ही नहीं रह पाते। सीताराम जी के देखो जने, चले ठीक। तो विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की, और प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री राम जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसा कर अपनी घर घर की दशा कहे यानी दुखड़ा सुनाए। प्रभु श्री राम जी उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिए, तब वे प्रसन्न होकर चले और मन में जरा सा भी डर न रहा, ठीक ने। समझ में आवता लीला तब हुई जब देवता लोग प्रसन्न रही है ये ने, तब लीला हुई, और जब राक्षस लोग के खुश रखबा तब नाटक हुई। नहीं, यह राक्षस और देवता यह दोनों लोगों के बा अब देखे स्थान दे। तो सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, अभगति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे लक्ष्मण जी माने वैराग्य, सीता जी माने भक्ति और श्री राम जी माने ज्ञान। वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित तो हो रहे यानी, अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न
सबके जब अंदर बिठाए हुए हैं देखकर अर्थ बा कि आपके ज्ञान बैराग भक्ति कुल चरित्र का आदर्श रखा की पड़ी, नहीं तो झूठ कहता है यह ने देख ले भाई कितना तगड़ा व्यवस्था ने कहे कि बिना चरित्र में आए वो कथा की कहे के नियम तेने सब रखबे तब ने तो कुछ देखो मोह ममता का नेरिया बा लेकिन झलको था कुछ अब तो दिखाए लगल ने ठीक तो मुनि महिसुर गुरु भरत भुआलु राम बिरह सबु साजु बिहालु अब प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही सब चुप चाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल, प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे। क्या कहिए अब का बतिए ठीक तो जमुना उतरी पार सब भयउ अशोभा सरु बिनु भोजन गयउ। जमुना जी उतर के पार भय और उकरे बाद जो है कि वो दिन बिना भोजन के ही बीत, ऐसा नहीं कि भोजन नहीं था ऐसा, लेकिन प्रभु का वियोग कहाँ किसको ठीक ने तो चिंता मत करे। अब आगे जो ना जो दूसरा दिन आए वो दिन निषाद राज भाई बहन जी तो उतरी देव शरी दूसर बासु राम सखा सब कीन सुपासु। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर यानी गंगा पार करके सिंगवेरपुर में हुआ, वहां श्री राम जी के सखा निषाद राज हिंगराज भाई पंचम भाई के साथ मिल करके सारा प्रबंध ठीक ने लाल बिहारी भाई खाली दिखावत रहे कि ये करो काली के सुने खाए नहीं है काली से तनको काम न पड़े ठीक ने। ये कितना बड़ा सौभाग्य बा एकर पता नहीं अनुभव भी कर पावत है ने? तो सही उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। फिर सही नदी उतर कर गोमती जी में स्नान किए और चौथे दिन सब अयोध्या में आ पहुंचे। तो जनकपुर है पूरे बासर चारी राज काज सब साज संभारी। जनक जी चार दिन तक अयोध्या में रुके और राज काज का सब साज सामान को संभाल कर व्यवस्थित करके सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू अते रहुती चले साज सब साजू। तथा मंत्री गुरु जी और भरत जी को राज सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले माने जनकपुर। तो नगर नारी नरे गुरु सिख मानी बसे सुखे न राम रजधानी। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे। तो ऐसे नहीं है ना
राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। अतज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने और वे आभूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे। यानि अरे शरीर से अब देखा भाई सब कुछ तो ठीक बा, लेकिन लोग नियम व्रत का करी है, मांस खाए वाले के साथ भी नहीं छोड़ सकत है। तो राम खिलौन भाई कह नहीं गुरु हम तो छोड़ो नहीं। देखे कुछ जब से पक्का न कर एक चीज ने तब से खाली सुना से क्या हुई भाई। तो आप तक कर सकल है, लेकिन अब गणेश भाई क्या करे जब मैये मछली खाता थे हमें यहाँ सबके साथ एक एक के इतना तगड़ा तगड़ा बंधन वा जने प्रेम का बंधन ममता का बंधन नहीं तो कोनो मतलब नहीं बाबू के समझे चाहिए ठीक ने। तो आभूषण और भोग के सुखों को छोड़ छोड़ कर अवधि की आशा पर लोग जी रहे। तो सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाई सिख ओधे। अपुनि सिख दीन ही बोली लघु भाई सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किए माने कि सबको जगह जगह स्थिर किए और वे सब सीख पाकर अपने काम में। और उसके बाद छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दिए और सब माताओं की सेवा उनको ठीक ने। तो नियम तो इतने बा भाई कि अब जैसे साधना अगर पक्का पक्का हो जाने शत्रुघ्न भाई तो माई का सेवा खाली तोरे मेरारू के करे के चाहिए। उन्हें एक क्या काम सौंप दे कि बस तू नहीं के सेवा में दिन रात अपन समय बाकी सब लोग अपन कौशल्या सुमित्रा बने आप लोग जो है राम लक्ष्मण बने ठीक ने। तो कभी महाराज हमरे तक तो ठीक बा लेकिन मेरारू तो राम नौकर ठीक कोई बात नहीं माने जो नीति बा सही बा ये ने। लेकिन आज सेवा भाव नहीं बा देखा धीरे धीरे पंचम भाई के तो कहे उनके लुगाई से कि अब सेवा करो तो हाँ शंकर जी बहन ऐसे ही देखा धीरे धीरे जब लोग करी है तब हो पंचम भाई ठीक। तो भूसुर बोली भरत कर जोरे करी प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कार जु भल पोचू आयसु देवन करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किए कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा और संकोच मत करिएगा ठीक ना। तो परिजन पुरजन प्रजा बोलाए
समाधान करी सुबह से बसाए असानु जगे गुरु गे है बहोरी अकरी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी फिर परिवार के लोगों को नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाए, ठीक ना। सब लोग अपने अपने कार्य में रहे, कहीं दिक्कत नहीं बा राम खिलौन भैया। तो पहले एक जने अपने में रहो, ठीक ना। वे बाप का करवे तो फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोलते, ठीक ना, क्या बोलते हैं कि आयसु होई ते रहो सनेमा अब बोले मुनि तने पुल की सपेमा असमुझब कहब करब तुम्हें जोई धर्म सारु जग होई सोई। हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो करके प्रेम के साथ बोले कि हे भरत तुम जो समझोगे कहोगे करोगे वही जगत में धर्म का तत्व होगा। तो जो मन वाणी और कर्म से प्रभु का दृढ़ अनुराग हो वह जो सोचेगा समझेगा करेगा वही धर्म का तत्व, बाकी कुछ। तो देख लीजिए ये जितना मोहम्मद मोहम्मद है यानी जितना ये यीशु फिसु है क्या इसमें से एक भी कोई है प्रभु का प्रति भरत जी जैसा? तो कौन धर्म का स्थापना करिए ये ने मतलब समझे बदे है कोई भरत जी जैसा चरित्र रखने वाला? आप लोग देख लें, ऐसा नहीं कि मुंह बोली बोलना है, इतना प्रेम होना, अगर इतना होता तो बेस से कट के नया धर्म यही ना। तो सुनि सिख पाई असी से बड़ी अगनक बोली दीनु साधी सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। तो भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाए और अच्छा मुहूर्त शोध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित, तो मन रूपी सिंहासन पर यह बैठावे के शांति सुमति पवित्रता एक है जो खड़ाऊ बा और दूसरा बा मोह माया इच्छा से निस्तब होला निष्काम, तब शुरू होला निष्काम सेवा। ऐसे शुरू देखे बुआ सही सही बतिया जानक गुस्सा आई तो मार ले है दूध को नहीं वो बात नहीं वाले कि निष्काम सेवा तब्बे होई जाने जब सब प्रभु का बा ये शरीर सेवक बा तो मैं अपन निजी काम ना कहा ने। तो सच्चा भक्ति बैठावा को हो तो भैया देखो यह मार निष्काम सेवा कहाँ शुरू बा। हाँ धीरे धीरे उतरत आया ये तरफ से उतरत आया
और जब हम दूर हो तभी अवस्था आ जाई। कोनो कड़ा तो नहीं बे यार। कहते गुरु हमरे घर में एक दिन लड़का बन के जाके रहो तो पता लग नहीं जय तो राम किरण भाई। एक दिन जैसे हम जनो मालिक बन के देखो दाई, एक दिन वही गद्दिया बैठ के रखा तो पता लगी कि कोड़ा बाकी नहीं। ऐसा सोचे की जरूरत नहीं है, कहे के कुल अवस्था में रह के देख चुका हुआ है, कड़ा कुछ नहीं हो, वो खाली सोच कड़ा बा, कड़ा कुछ नहीं। हाँ और का तो प्रभु का जो है चरण पादुका सिंहासन पर, तो राम मातु गुरु पद सिरुनाई अब प्रभु पद पीठ जाय सुपाई अनंदी गाँव करी परन कुटीरा किन्ह निवास उधर मधुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु के चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास किए। कितने कमर घटा में नहीं नंदी ग्राम देने तो जहां भरत जी रहे वो इसना नंदी ग्राम हुई का, जहां राम जी रहे वह देवा ने कहो गणेश जी क्या है कि ब्रह्मांड अनंत बने भाव पक्का हो के चाहिए, बिना भाव पक्का के कोनो मतलब। तो जटा जूट सिरे मुनि पट धारी महिखनि कुश साथरी सवारी असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर और उसके अंदर कुश की आसनी बिछाए भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने जाने। जब गुरु घरे से मिल जाता रोटी तरकारी दूध साथ में अब के करे के धनी सा बैठन कतन बड़ा गर्मी लोग होता है जबागेन। ठीक कोई बात नहीं देखा भा तपस्या तो करे की पड़ी रही नहीं सुने में तो सरल सरल लगत अरे छोटे बात खाली बैठावे के बाबू ऐसे बैठ जाई बिना तपस्या के बिना सत्य के। ठीक तो ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने तो भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन ते तीन तूरी ने? तो गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन बचन से तीर्ण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग ने? अवधे राज अवध राजु सुरे राजु सिहाई दशरथ धनु सुनी धन दुल जाई। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र देखकर सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर जी भी लजा जाते याने? देखो यहाँ कहा उतना
या कुछ बा अते ही पुर बसत भरत बिनु रागा चंचरी के जिमी चंपक बागा। उसी अयोध्यापुर पुरी में भरत जी अनाशक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। और वहां उनका कोई राग, और आप लोग यही में कुल राग लगा को वही में फड़फड़ाता है नहीं। यह देखो भरत जी के चरित्र से यह प्रेरणा, लेकिन ले ले भाई याने क्या है कि भरत जी जैसन जो है भाई कहीं भाई श्री राम जी के भक्त कहा के बा। तो रमा बिलासु रामय अनुरागी अतजत बमन जिमी जन बड़ भागी। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के बिलास माने भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते है। फिर उसकी ओर ताकते भी जाने। और यहाँ बाकी जब तक मिला तारा वे दे आने दो बच्चा नहीं यह तो कुल करे बहन ने जे एक बार बैरागी होएगा तो फिर वो राग में फंसे जाई। कहिया हम अंदर से बैरागी है अंदर से नहीं हो एक पंडित राज हुए वहाँ। अरे वो जाना था क्या राजेश नाम बा कठिनाई वाला तो कैसे अंदर से बैरागी हमारे भाई हमके दिमाग मत खराब करो राक्षस कहीं कहाँ से बहुत जाए तब क्या कर बे ओकर बात जो है कहे कि कोई खंजाट लोगन का बात उठा वाला तो जो है बिल्कुल जो है फायर नहीं। तो राम पे मैं भाजन भर तू अब बड़े न यही कर तू चातक हंस सराहियत ते कभी बे कभी भूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री राम जी के प्रेम के पात्र है माने भरत जी के अंदर श्री राम जी का प्रेम रहता ने तो चरण का धूल बनबे तो धीरे धीरे उन्हीं के अंदर पहुंचबे तो वहां प्रभु का प्रेम मिली। वे इस भोग ऐश्वर्य का त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए माने उनके लिए कोई बात बड़ी। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर छीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती नहीं। ये बात जाना लगी नहीं चातक जो है धरती के जल वो कौन जल पियाला सही है ने कुछ रही ना वह सब मांस मुर्गा में जो है लगता बा वह बात कही हम आपके बहुत प्रेम करी ना क्या प्रेम करल है कुछ नहीं कोई मतलब नहीं एके ले के रखो तब तक कुछ अर्थ बा ने भाई। तो देह दिनहु दिने दूबरी होई घटई तेजु बलु मुख छवि सोई अनित नव राम प्रेम पनु पीना बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता तेज माने अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। तेज
घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति और शोभा वैसे ही बनी हुई है, ठीक ना। वह शोभा नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन जो खा पी के जो मस्ती बा, हाँ वो घटता नहीं। पहले बहुत अलग स्थिति हो गया रहा, बाद में है कि खा पी के अब थोड़ा तगड़ा हो गया। एम कुल रस्तवा से होके तब आलबा ने, ठीक ने। तो नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। श्री राम जी प्रेम का प्रण नित नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, मन कभी उदास न हो। ठीक। तो जिमि जलु निघटते शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समजम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाश। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश यानी विकास से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते। बेत का पेड़ जानल है नहीं, जंगल में। ठीक, माने कि जल घटने पर भी बेत का जो है शोभा घटता नहीं, और कमल विकसित होते। तो सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र यानी तारागण है। यही जो सम दम यम नियम नहीं बा कुल देखेबा, तो यही सब तो असली कमल है, यही सब नक्षत्र और तारागण है। समझ में आवा था, यह कुल ये सब रखबे तब नक्षत्र सही बनी, और यह अहंकार वाला तो सब बिगड़ ले रही। तो ध्रुव विश्वास वधिरा काशी, अस्वामी सुरति सुर विधि विकाशी। राम प्रेम विधु अचल दोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा, वो विश्वास आपको मिल गया है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान, और स्वामी श्री रामचंद्र जी की स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित, जैसे आकाश में आकाश गंगा प्रकाशित रहती है, उसी प्रकार से श्री राम जी की स्मृति, ठीक ना, यह नहीं भूलना। और श्री राम जी के प्रति जो दृढ़ अनुराग ही, वही कलंक रहित चंद्रमा। तो मोह माया अगर इच्छा आ रहा है तो कलंक है वो, मोह माया इच्छा क्या है, कलंक। तो इस कलंक को क्यों आने देंगे, ये न। तो वह अपने समाज यानी नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित। तो भरत रहनी समूझनि कर तूति, भगति बिरति गुण विमल विभूति। अबरनत सकल सुकवि सकुचाही,
शेष गणेश गिरा गमु नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष जी गणेश जी और सरस्वती जी की भी पहुंच नहीं। ऐसी है रहनी करनी भरत जी, गणेश जी भी वहां पहुंच नहीं। गणेश भाई कौरो बड़का गणेश बना कोई तो बता, और बताई यहाँ से पहुंचावे चाहे तो पहुंचावे जितना में कौन बा, ठीक ना। तो नित पूजत प्रभु पावरी अप्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहु भाति। तो भरत जी नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता, पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राज काज भी करते, कार्य सब करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ सब जो है कि पाखंडी लोग कहिए करे वो कैसे जो है खड़ाऊ कैसे आज्ञा दई कैसे न दई, ऐसा स्थिति बनाओ मोह माया इच्छा के बाहर रहो और निष्काम कर्म करो देखो कहे न हुई, वहां तक पहुंचा कि पड़ी ने। तो पुलक गाते ही सिय रघुबीर जी है नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसही भरत भवन बसी तप तनु कसे ही। तपस्या से ही कसाई, बिना तपस्या के नहीं। तो शरीर पुलकित है, हृदय में सीता राम जी है, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है, लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे, यही ने। तो दो दिशी समुझी कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन जोगु, अश्वनि व्रत ने मैं साधु सकुचाही देखी दशा मुनि राजल जाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने के योग्य, यानी नहीं तो इसम कह के ही कर दे इनकी सब कलंक लगाए रहा बा नहीं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते, साधु संत भी सकुच जाते हैं जब गणेश जी के पहुंचे के ताकत नहीं बा वहां, तो विचार करो। और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते। तो परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुदे मंगल करनु, भरत जी का परम पवित्र आचरण माने वही चरित मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला,
देखो बात आ गल कि बिना चरित्र के कुछ हुआ वाला ख्याल ना बात वही तो हरन कठिन कली कलुष कलेशु महामोहनिसी दलन दिनेशु। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान क्या श्री भरत जी का चरित्र, यानी तो चरित्र से कुल हुआ वाला बा और यहाँ सब बाड़ी से काम चला होता है, क्या हुई बाड़ी से ने? तो पाप पुंज कुंजर मृग राजू समन सकल संताप समाजू अजन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए भरत जी का चरित्र सिंह है, यही अहम से जो उत्पन्न बैन न सारे संताप के दलों का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार यानी संसार के दुख का भंजन करने वाला और तथा श्री राम चंद्र जी के प्रति परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग रूपी चंद्रमा का अमृत है। दृढ़ अनुराग पाना हो तो भरत जी का चरित्र धारण, तो श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिषय अपहरत को अकलि काल तुलसी से सठनि हठि राम सन मुख करत को। श्री सीता राम जी के प्रति प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। देखो जब चरित्र में आवता तबे न होता, दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण, ठीक न? यहाँ कोनो यश नहीं पावे के बा, लेकिन एक के बहाने शब्द का हरण होता नहीं जी। तथा कलीब काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता, नहीं मेरा भी चौकल नहीं रहे तो भाग गए नदी पार करके, नहीं ठीक न? तो एकदम सीधा सीधा समझ ले भाई, देखो अब यही में बात खाली करो, यही चौपाई के अंदर रहे, अब कुछ अलग से बात करे के नियम। तो भरत चरित करी नेमु अब तुलसी जो सादर सुनही असी राम पद प्रेमु अवश्य होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग उत्पन्न होगा और सांसारिक विषय रस से
वैराग्य अवश्य हो जाए, जो प्रेम के साथ सुनेंगे सबके लिए नहीं। तो इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्तः, यानी कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का आज यह दूसरा सोपान भी संपन्न हुआ। तो इसी वाणी के साथ बोलिए भाई भरत की जय, सियावर रामचंद्र की जय, राम खिलावन भाई सहित सभी भक्तों की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आहा रा।